क्वेश्चन आस्ड बाय आईसीएआई इन आईपीसीसी मई 2014 बेटा फॉर 5 मार्क्स. मई 2014 में क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा गया. द कंपनी प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग ट्रेडिंग रिजल्ट. दो डिफरेंट ईयर का डाटा है बेटा, दोनों का सेल्स, दोनों का प्रॉफिट आपको बताया गया. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट फिक्स्ड कॉस्ट, ब्रेक इवन प्रॉफिट, ये बड़ा सारी चीज पूछी है. जैसे कभी भी एग्जाम में आप ऐसा क्वेश्चन देखते हो जहां पे टू डिफरेंट पीरियड का डाटा होगा, समझ जाना जो सुबह आपको कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो में फॉर्मूला लिखवाया था वो वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होने वाला है. आप बच्चों को सुबह इतनी बात बता दी थी कि मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला रहेगा पीवी रेशियो, जिसको कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो या फिर कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो भी बोलते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इन टू 100. जब भी मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन करेंगे सबसे पहला एम वही होना चाहिए, दैट वी कम टू द फॉर्मूला ऑफ पीवी रेशियो. क्वेश्चन में आपको दिया नहीं गया है, सबसे पहले हम उसी फॉर्मूला को कंप्यूट कर लेते हैं, पीवी रेशियो निकाल लेते हैं, उसके बाद चीजें अपने आप खुद ब खुद एक एक करके आने लगेंगी. तो आइए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की. आंसर नंबर 7, जैसे डाटा दिया है एक बार उसे अंदाज में लिखना चाहेंगे. ईयर है, दोनों ईयर की सेल्स हैं और प्रॉफिट बताया गया 10% ऑफ सेल और 8% ऑफ सेल. मैं प्रॉफिट को रुपीस में भी निकाल सकता हूं. पहले साल में 25 लाख की सेल है, 10% का प्रॉफिट है, यानी कि 2,50,000 का प्रॉफिट हो गया. और दूसरे केस में बेटा 1,60,000 का प्रॉफिट हो गया. ओके, हमने सिवाय सीखा था कि अगर टू पीरियड डाटा होगा, टू पीरियड डाटा है, फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100. लेकिन साथ में आपको यह भी कहा था अगर कॉन्ट्रीब्यूशन ना तो गिवन हो और ना ही आप कंप्यूट कर पाओ तो चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100 कर लेना, वहां से भी सेम ही रिजल्ट आ जाएगा. क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ सेल्स है और प्रॉफिट है, और सेल और प्रॉफिट को लेकर ऑब्वियसली आप कॉन्ट्रीब्यूशन वगैरह नहीं निकाल सकते कभी भी. तो सेल्स और प्रॉफिट है मतलब आपको प्रॉफिट को ही टेक इनटू अकाउंट करके पीवी रेशियो को निकालना पड़ेगा. याद है ना सुबह लिखा था, सबसे पहले पीवी रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100. चेंज इन प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट देखो बेटा कितना चेंज है, 250 और 160, 90,000 का चेंज है, और सेल्स कितने चेंज है, 25 लाख और 20 लाख का डिफरेंस, यानी कि 5 लाख रुपए. Are we clear about this? इतनी चीज आ गई है. सुबह आपको प्रॉफिट निकालने का एक फॉर्मूला बताया था इक्वेशन फॉर्म में, सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट, ऐसा फॉर्मूला आपको एक बताया था. इस फॉर्मूला को अगर मैं अप्लाई करना चाहूं, क्यों करूंगा अप्लाई, आपको सेल गिवन है, पीवी रेशियो निकाल ली, प्रॉफिट भी गिवन है दोनों का, किसी भी एक ईयर का डाटा को ले लो तो यहां से फिक्स्ड कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर हमारी आ जाएगी. बैलेंसिंग फिगर बोले तो आप समझ गए मैथमेटिक्स का मतलब है ना, फिक्स्ड कॉस्ट बैलेंसिंग. या किसी भी एक साल की सेल ले लो, कौन से साल की सेल लेना चाहोगे, और 2 लाख तो बेटा कोई है ही नहीं, या तो 25 या 20 है, 20 लाख लेना चाह रहे हैं बच्चे, क्योंकि 20 का पहाड़ा आता है. 20 लाख इंटू 18% हम कौन से ईयर की ले रहे हैं, 2013-14 की. 20 लाख इनटू 18% माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट था 13-14 का 1,60,000.
जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन करते हो, आपको फॉर्मूलाज की एप्लीकेशन समझ में आती जाएगी। पीवी रेशियो आने के बाद अगर कभी भी प्रॉफिट हमारे पास पड़ा हो तो हम फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हैं, फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी हो तो हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ठीक है जी, इस इक्वेशन का यूज करते हुए। ठीक है, क्वेश्चन में फर्स्ट पॉइंट क्या पूछा था देखें तो जरा, फिक्स कॉस्ट आ गया है। बी, ब्रेक इवन पॉइंट, क्या फॉर्मूला होता है ब्रेक इवन पॉइंट का? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। जब भी क्वेश्चन ना बताए कि ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में पूछा है या रुपीस में, तो हमेशा रुपीस में ही निकालना। तो रुपी वाला फॉर्मूला लिख दिया, ब्रेक इवन पॉइंट फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। बहुत किस्मत वाले हो कि रिकॉर्डिंग ऑन है और मैं कुछ कर नहीं सकता, बस बैठ जाओ, नहीं तो आज जहां मर्जी थे, बस किस्मत वाले हो आज, यही कहूंगा। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला था फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट भी है हमारे पास कितनी? 2 लाख। पीवी रेशियो भी है हमारे पास बेटा 18%। ऐसा करते करते 11,00,000, 11,00,000, 11,000, 111। इसका नंबर डाल दें, नंबर तुम ए हो और तुम बी हो, बड़े बेटा आगे, सही है। देखो सी पॉइंट में क्या पूछा आपसे, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इफ सेल इज 30 लाख। फिर से मैं अपना सेम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दूं, सेल कितनी 30, पीवी रेशियो पता है और अब तो फिक्स कॉस्ट भी पता चल गई है, तो क्वेश्चन ने पूछा है प्रॉफिट कितना होगा, इसी इक्वेशन में पुट करते हुए निकाल देंगे। सेल्स 30 लाख इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। प्रॉफिट 3,40,000, सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। डी, कहते सेल When desired profit is this, ये भी फॉर्मूला हमने सीखा था, सेल्स एट डिजायर्ड प्रॉफिट, याद है क्या फॉर्मूला? देख सकते हैं जाकर जहां आपने लिखा था बेटा फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। वो बच्चे भी तेज तेज बोल रहे हैं जो सुबह नहीं थे, मैंने देख लिया है, अटेंडेंस मार्क्ड, मैन इन ब्लू। फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है 2 लाख, डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है 4,75,000। ओ बीवी, बीवी नहीं, पीवी, 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 सॉरी 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 सॉरी, 37,50,000। किसी के मन में कोई डाउट पनप रहा हो तो बाहर निकालिए। लास्ट पॉइंट, फाइंड द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या फॉर्मूला सीखा था एमओएस का? रुपी वाला, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। क्वेश्चन ने कहा एमओएस निकालो एट अ प्रॉफिट ऑफ 2,70,000, तो 270 का प्रॉफिट भर दो, पीवी रेशियो 18%।
मैं इसको कैंसिल कर दूंगा लास्ट क्वेश्चन में, फिर जिस ज्यादा चिल्लाए आप। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, छोटा सा है इसका आंसर, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है बेटा, सीएस में आया था 2004 में ये क्वेश्चन, 5 मार्क्स का। लेट्स कंसिडर इट, द कंपनी मैन्युफैक्चर्स ओनली पेन्स वेयर द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ ईच पेन इज ₹3, इट हैज फिक्स्ड कॉस्ट ₹25,000 पर एनम, प्रेजेंट प्रोडक्शन एंड सेल्स इज 50,000 यूनिट्स और सेलिंग प्राइस कितना है ₹5। अब तक क्या क्या बता दिया, वेरिएबल कॉस्ट कितने ₹3, फिक्स कॉस्ट है 25,000, आप करंटली 50 यूनिट बनाते हो और सेलिंग प्राइस है ₹5 का, बहुत ही बेसिक सा डाटा आपको बताया गया। एनी सेल, अब ये इंपॉर्टेंट है, एनी सेल बियॉन्ड 50,000 पेन्स, अभी कितने बेच रहे हो 50,000, अगर 50,000 पेन से ज्यादा बेच रहे हैं तो ये पॉसिबल तभी होगा ओनली इफ कंपनी रिड्यूसेस 20% ऑफ इट्स करंट सेलिंग प्राइस। करंट सेलिंग प्राइस है ₹5, ₹5 में से 20% माइनस करोगे तो कितना रह जाएगा ₹4, बट द रिड्यूस्ड प्राइस अप्लाइज ओनली टू एडिशनल यूनिट। उसने इतना क्लेरिफाई कर दिया कि पहले 50,000 यूनिट तो 5 पर ही बिकेंगे, उसके बाद अगर कोई यूनिट्स बेचना तो उनका सेल प्राइस कितना हो जाएगा ₹4। क्लियर है इतनी बात। कंपनी वॉन्ट्स अ टारगेट प्रॉफिट ऑफ ₹1,00,000, 1,00,000 का प्रॉफिट चाहिए, ये पहले ही सोच लिया है। कहता बताओ कितने यूनिट्स, मतलब कितने पेन्स कंपनी को बेचने होंगे अगर टारगेट प्रॉफिट को अचीव करना है। हमने ये सीखा था डिजायर्ड प्रॉफिट का फॉर्मूला, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, लेकिन ऑब्वियसली ये फॉर्मूला आप तभी लगा सकते हो अगर एक पीवी रेशियो हो। आपको क्वेश्चन में क्या कह दिया कि आप 50,000 यूनिट्स अगर सेल करना चाहते हो, 50,000 पेन्स सेल करना चाहते हो, सेलिंग प्राइस 5 है, वेरिएबल कॉस्ट 3 है, लेकिन अगर इसके बियॉन्ड जाना चाहते हो यहां तो सेलिंग प्राइस ₹4 का आपको रखना होगा, वेरिएबल कॉस्ट तो सेम ही है ₹3, यहां पर कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 2, यहां कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 1, ऑब्वियसली दोनों जगह पीवी रेशियो डिफरेंट है, लेकिन जो प्रॉफिट कमाना है वो ओवरऑल बताया कि भाई ₹1,00,000 का प्रॉफिट का टारगेट है। दिक्कत समझ गए कहां है, अगर ये यहां पर सेलिंग प्राइस चेंज ना होता फिर तो क्वेश्चन बड़ा ही आसान था, फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है 25,000 प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो करते तो आंसर आ जाता, लेकिन क्योंकि आपका ये भाग दो पार्ट में डिवाइड हो गया है इस कारण ये उतना आसान नहीं रहा, लेकिन हमें बहुत ही बेसिक से चलना होगा। मैंने आपको जो सुबह फॉर्मूला बनवाया था वो इस फॉर्मूला, इस इक्वेशन से फॉर्मूला को बनवाया था, कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर कभी हमें दिक्कत आ जाए, ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हमने फॉर्मूला नहीं लगाना, हम अपनी इक्वेशन में वापस आ जाएंगे और बहुत ही आसानी से ये हो जाएगा। पहले देख लो आराम से फिर नोट कर लेना, बस 1 मिनट का है मुश्किल से। फिक्स कॉस्ट कितनी 25,000, प्रॉफिट कितना है 1,00,000, ये क्वेश्चन है हमें बताया है। कॉन्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें, पहले 50,000 यूनिट जब बेचोगे तो कितने रुपए की कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगी इंटू टू, अगर 50,000 यूनिट बेचते हो फिर तो ₹2 की कॉन्ट्रीब्यूशन आती है, उसके बाद कितने की आती है ₹1 की, और यही तो सवाल है क्वेश्चन का कि बताओ भाई टोटल कितने बेचने होंगे 50,000 प्लस ये कितने। अगर मैं मान लेता हूं, लेट से तुम कौन हो एक्स हो, तो इतनी कॉन्ट्रीब्यूशन इनसे आ गई प्लस एक्स इंटू वन, ये टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन हो गई, और टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन होती है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर यहां से इक्वेट कर लू 1,00,000 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1,25,000, एक्स आ गया 25,000, अरे एक्स आ गया 25,000, यानी कि एडिशनल यूनिट कितने बेचने होंगे 25, टोटल बताओ यार 1,00,000 के प्रॉफिट के लिए कितने बेचने होंगे 75,000, ये आंसर आएगा। समझ गए हैं, करिए नोट, इसे भी नोट करना है। गुड क्वेश्चन, अर्नव लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड सेल्स इज प्रोडक्ट R9, फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन कलेक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट रिकॉर्ड ऑफ लास्ट ईयर फॉर द प्रोडक्ट R9, क्या क्या सामान है, मटीरियल, लेबर, फैक्ट्री, एडमिन, सेलिंग, वेरिएबल पोर्शन, मटेरियल में
30% ऑफ COGS जो होगा वो है वेरिएबल और फिक्स तो इसमें है ही नहीं। लेबर में टोटल COGS जितनी है उसका 15% लेबर है और इसमें फिक्स कुछ नहीं है, लेबर सारे के सारे भी वेरिएबल है। फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल कितने, 10% ऑफ COGS और फिक्स आपको बता दिया अलग से। जनरल एडमिन 2% ऑफ COGS, इतना अलग से फिक्स। और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 4% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स और अलग से फिक्स इतना। कौन से चैप्टर की याद आती है, किसी चैप्टर की याद आती है इसको देखकर? कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट चैप्टर एक होता था सबसे पहला, COGS कॉस्ट ऑफ सेल एडमिन सेलिंग सब कुछ करते थे। लास्ट ईयर 5000 यूनिट्स वर सोल्ड एट 185। फ्रॉम द गिवन डेटा फाइंड द फॉलोइंग, ये सब चीजें डिपेंडेंट हैं, पहले आपके पास सारी ये चीजें होनी चाहिए ये जो गिवन है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो इन चीजों को सुलझाना है हमने कि ये कैसे होगा, COGS कॉस्ट ऑफ सेल उसके अंदर ये सारे पार्ट एक्सेट्रा सब पहले हम ये निकालेंगे, ठीक है जी। आइए आइए आइए, ओके, एनी बॉडी कैन टेल मी COGS के अंदर क्या क्या होता है? ओ भाई रुक जाओ यार, मैं रोक रहा हूँ, रुके नहीं रहे हो, उल्टा सीधा बोले जा रहे हो। किसी को याद है कॉस्ट शीट में ऊपर से चलते हुए? सिर्फ इन पांच में बताओ मेरे को COGS के अंदर क्या आता है। डायरेक्ट मेटल आता है क्या? डायरेक्ट लेबर आता है क्या? ऐसा तो बोलना बड़ा आसान है। फैक्ट्री वर्ड आता है क्या? एडमिन। ओ एक मिनट बेटा, मुझे पता है ये जद्दोजहद क्यों रही है। न्यू कॉस्ट शीट के हिसाब से नहीं आता, ये है आंसर। ओल्ड कॉस्ट शीट के हिसाब से आता है, तो यहां आएगा कि नहीं याद करो। ओए ये तुम लोग सुन क्यों नहीं रहे हो आज? शुरू में फर्स्ट चैप्टर के वक्त मैंने बताया था कि इंस्टीट्यूट ने कॉस्ट शीट का नया फॉर्मेट ला तो दिया है, लेकिन वो बाकी किसी चैप्टर में चलता नहीं है, सिर्फ उसी चैप्टर में चलता है। तो जब इंस्टीट्यूट ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, उन्होंने एडमिन को COGS के अंदर लिया है, ठीक है। ये देखो वैसे ही पता चल जाता है, कहते एडमिन 2% ऑफ COGS है। चलो आ जाओ, COGS का ही पार्ट है इसीलिए 2% COGS। चलो 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 चलो, आंसर 18, COGS इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, एडम ओवरहेड। COGS को क्या मान लें? अच्छा जी लो, बहुत दर्द भरी कहानी है इस बच्चे की। एक्स मटेरियल है 30% ऑफ COGS, 0.3x, लेबर 15% ऑफ एक्स, फैक्ट्री ओवरहेड, हाँ जी फैक्ट्री ओवरहेड ध्यान से, एक तो 10% ऑफ एक्स है, साथ में फिक्स वाला पोर्शन भी डाल देना। COGS के अंदर पूरा फैक्ट्री ओवरहेड आता है, वेरिएबल वाला भी फिक्स वाला भी। सिमिलरली एडमिन 2% ऑफ एक्स एंड 71,000। स्वप्निल बेटा लिख क्यों नहीं रहे हो, मैसेज चेक कर रहे हो किसका है, हमें भी बता दो। ले आओ जरा फोन ले आओ, देखते हैं, थोड़ा जूम करके दिखाते हैं कैमरा में, देख लेते हैं क्या चल रहा है। यहां से एक्स आ जाएगा बेटा 7 लाख। एक्स 7 लाख। कॉस्ट ऑफ सेल क्या होता था? कॉस्ट ऑफ सेल उसमें उसको ऐड कर दें, क्या बात है, व्हाट अ इंटेलिजेंट आंसर। उसमें उसको ऐड करो, COGS में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को ऐड करते थे तो कॉस्ट ऑफ सेल आता था। कॉस्ट ऑफ सेल को क्या मानोगे? मन तो आपका एक्स ही कर रहा है, लेकिन एक्स एक बार हो गया, आ गया, वो आगे बढ़ना है जिंदगी में। COGS 7 लाख आ चुका है और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना? 4% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल, तो 4% ऑफ वाई एंड 68,000 फिक्स वाला पोर्शन। वाई 8 लाख,
ये जो रब किया 0.04 वाई बेटा एसएनडी ओवरहेड आपको गिवन है 4% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल, नाउ वी कैन प्रिपेयर दैट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट वाला टेबल, ये कॉस्ट, ये वीसी और ये एफसी, कॉस्ट में क्या क्या डीएम डीएल एफओ एओ एसएनडीओ वीसी 30% ऑफ सीओ, सीओ जिस कितना है 7 लाख, 7 लाख का 30%, 7 लाख का 15%, 7 लाख के 10%, 7 लाख के 2% और 8 लाख के 4%। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट टोटल कर लिया, क्वेश्चन ने यूनिट्स कितने बताए थे आपको बेचे हैं भाई 5000 पिछली बार, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकते हैं 431,000 डिवाइड बाय 5000, ऐसा करो इसको रहने दो यार, इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है, आईसीआई ने ऐसे नहीं किया, मैं इसको ऐसे क्यों करूं, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट का स्टाइल सीओजीएस के थ्रू दिया हुआ है, आपको लास्ट में पता चलेगा कि मैंने ऐसे क्यों किया, ऐसे रहने दो इसको। वीसी आ गई, एफसी आ गई, अब देखते हैं क्वेश्चन ने क्या क्या कहा और क्या क्या करना है। सबसे पहला पॉइंट, ब्रेक इवन सेल इन रुपीज निकालना चाहते हो, फिक्स कॉस्ट अपॉन क्या करना होगा पीवी रेशियो, पीवी रेशियो कैसे आएगी कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, ए पॉइंट सेल्स 5000 यूनिट्स 185 पर यूनिट, नाइन लैख 25,000 वीसी हमने फाइंड आउट किया, 4,31,000 ये आ गया जी कॉन्ट्रीब्यूशन, 4,94,000 पीवी, 4,94,000 अपॉन 9,25,000 इंटू 100, फिफ्टी 3.41%। ब्रेक इवन होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, ठीक है, दिस इज इजी। बी पॉइंट तो उससे भी आसान, कहते कितना प्रॉफिट कमाया था पिछली बार, अरे सेल माइनस वीसी करके कंट्रीब्यूशन तक तो पहुंच ही चुके हो, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट भी माइनस कर दो तो क्या आ जाए प्रॉफिट, तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल प्रॉफिट, 4,94,000 माइनस फिक्स कॉस्ट 369 ये आ गया प्रॉफिट। सी एमओएस इन परसेंटेज, इसका फॉर्मूला होता है कि एमओएस इन रुपीज बटे सेल्स इन रुपीज इंटू सौ,
सेल इन रुपीज कितनी है 925, और एमओएस कैसे आ जाएगी अगर टोटल सेल में से ये माइनस कर दूं ब्रेक इवन 690882 तो भी एमओएस आ जाएगी। ट्वेंटी फाइव पॉइंट थ्री वन परसेंट लास्ट पॉइंट डी पॉइंट कहते प्रॉफिट बताओ कितना होगा अगर सेल 10% लेस हो गई। देखेंगे जरा सेल्स कितनी थी 9,31,000 नहीं 9,25,000 कहते इसमें से 10% कम हो गई तो कितने रह गए हो 832,500 माइनस वीसी वीसी कितनी थी 431,000 जो जो सेल का होगा वो वीसी का होगा। अब कहोगे ऐसा क्यों किसी के मन में सवाल है ऐसा कि सेल के चेंज होने से वीसी क्यों चेंज हुई लिखो पहले फिर बताते हैं जिसके भी मन में ये सवाल होगा उनके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। जो मैं अब लिखने लगा हूं ये नहीं लिखना है ये सिर्फ सुनने और समझने के लिए है। आंसर यहां पर खत्म हो गया है आपका 75,600। ये क्वेश्चन बिलोंग करता है बेटा आईपीसी मई 2016 को। इट वाज आस्क्ड फॉर 5 मार्क्स। प्लीज सी एवरीबडी अ डेयरी प्रोडक्ट कंपनी मैन्युफैक्चरिंग बेबी फूड विद अ शेल्फ लाइफ ऑफ 1 ईयर furnishes the following information. On 1st of January 2016, company has an opening stock of 20,000 packets. सब कुछ ध्यान से पढ़ते रहना। Whose variable cost is 180. तो 2016 का opening stock हमारे पास already बेटा 20,000. Opening का मतलब ये पहले कभी बना होगा? और variable cost कितनी थी? 180. In 2015, ये कौन सा पिछला साल? अभी 1st April, 1st January 16 चल रहा था। 2015 में क्या हुआ था? आपने प्रोडक्शन की थी 1,20,000 लेकिन 2016 में हमें लग रहा है हम कितने बना देंगे 150 और कितने यूनिट सेल कर देंगे 160। 160 सेल करने का मतलब 1.5 लाख तो करंट ईयर के और बाकी 10,000 जो ओपनिंग स्टॉक में बढ़े थे वो वाले यूनिट्स आप सेल कर देंगे। इन 2015 फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट वॉज 60 एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाई 10% इन 2016। हमें जानते हैं फिक्स कॉस्ट में कभी भी चेंज होता है तो वो टोटेलिटी में होता है पर यूनिट में नहीं होता है। अगर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्वेश्चन कह रहे हैं पिछले साल थी 60 पिछले साल यूनिट्स कितने बनाए थे 120 तो टोटल कितनी होगी 120 इंटू 60 72 लाख और इस बार कितना बढ़ जाएगा 10% इसमें इंक्रीज हो जाएगा यानी कि करंट पीरियड की 79 लाख 20,000 की आपकी प्लस करके फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 25% कितनी थी पहले 180 अब कितनी हो जाएगी 180 प्लस 25% 225 और सेलिंग प्राइस आपने 2016 का कितना फिक्स किया है 300 रुपीज पर पैकेट। 2016 में जितना भी सामान बेचोगे 300 रुपए। पूछते क्या है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा देखिए कैसे करना इस क्वेश्चन को। पहले बेसिक इंफॉर्मेशन को लिख लें बहुत ज्यादा कुछ क्वेश्चन में गिवन है पहले इसको इजी करके लिख लेते हैं फिर समझते हैं कि हाउ वी हैव टू अप्रोच दिस। तो कुछ ऐसी बातें चल रही हैं ये 2015 लिख लेते हैं इसे 2016 प्रोडक्शन 1,20,000 1,50,000 यूनिट्स वेरिएबल कॉस्ट यहां थी बेटा 180 यहां कितनी कह रहे हैं क्वेश्चन 180 प्लस 25% यानी कि 225 फिक्स्ड कॉस्ट 1,20,000 इंटू 60 72 लाख
और यहां हो जाएगी 72 लाख प्लस 10%, 79,20,000। सेलिंग प्राइस यहां का हमें नहीं बताया, यहां का बताया है 300 रुपए, चाहिए भी नहीं 2015 का, बिकॉज ब्रेक इवन हमें निकालना है 2016 का। ओके नाउ प्लीज सी, अगर इतना नोट हो गया तो आगे देखिए। 2015 और 2016 की बेसिक इंफॉर्मेशन हमने लिख ली, इतने यूनिट्स इतने यूनिट्स, वेरिएबल कॉस्ट में चेंज होने के बाद इतना, फिक्स कॉस्ट इतना और टोटलिटी में इतना, और सेलिंग प्राइस यहां। क्वेश्चन ने हमसे कौन सी ईयर की बात पूछी है? 2016 की। सुनते जाना समझते जाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ 2016 में ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? बड़ा आसान, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो या फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट हमें पता है 79,20,000 अपॉन, जैसे ही मैं कहूंगा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट एक्सेट्रा, 300 रुपए का सेलिंग प्राइस है, वीसी कितना है 225, यानी कि कॉन्ट्रीब्यूशन कितना रह गया 75। लेकिन क्वेश्चन ने हमें कहा है कि 2016 में देयर इज वन ओपनिंग स्टॉक ऑल्सो, कितने यूनिट्स का 20,000 यूनिट्स के एक ओपनिंग स्टॉक भी है हमारे पास, और जो ओपनिंग है वो पिछले पीरियड से बिलोंग करता है, उसके ऊपर वेरिएबल कॉस्ट कितना लगा था 180। समझ रहे हैं? जो करंट ईयर में बनाता हूं कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, अगर मैं कहना चाहूं 2016 में दो टाइप की कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएंगे मेरे पास, एक उन यूनिट्स की जो ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स हैं, और एक जो करंट पीरियड में मैंने प्रोड्यूस किए होंगे। जो ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स हैं, सेलिंग प्राइस 300 लेकिन वेरिएबल 180, तो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 120। लेकिन जो करंट पीरियड में बनाए, 300 रुपए का सेलिंग प्राइस, 225 की वीसी, तो इनका है सिर्फ 75। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आपके पास जैसे वो पेंस वाला क्वेश्चन आपको बताया था, दो कंट्रीब्यूशन थी आपके पास, सिमिलरली यहां भी आपके पास दो कंट्रीब्यूशन हो गई हैं। तो आपका नॉर्मल फॉर्मूला नहीं चल पाएगा फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, बिकॉज कंट्रीब्यूशन ही आपके पास दो तरह की है। और अगर सवाल ये उठे कि आप ओपनिंग को पहले बेचोगे कि करंट प्रोडक्शन को पहले बेचोगे, ओपनिंग को, क्वेश्चन ने बड़े क्लियरली बोला है कि आपके प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ कितनी है 1 ईयर, अगर इसको आपने ना बेचा तो ये खराब भी हो सकता है, तो सबसे पहले हम इसे बेचेंगे। जैसा पेंस वाले क्वेश्चन में किया था कि अगर हमें कभी भी ऐसा सिचुएशन आ जाए, एक से ज्यादा टाइप की कॉन्ट्रीब्यूशन हो, फॉर्मूला छोड़ दो, अपनी इक्वेशन के थ्रू चले जाओ। हमें क्वेश्चन ने क्या कहा है ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए? ब्रेक इवन पॉइंट पर होता क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, बोलो ना, इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। अगर कॉन्ट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट दोनों बराबर हो जाए, मतलब प्रॉफिट जीरो आता है, ये आपके ब्रेक इवन पॉइंट का इक्वेशन होता है। फिक्स कॉस्ट कितना है 79,20,000, इतना हमें पता है। कंट्रीब्यूशन की जब बात आएगी, हमें यह पता है कि जो सबसे पहले ओपनिंग वाले यूनिट्स हैं, सबसे पहले तो मैं इनको बेचूंगा, कितने 20,000, और इनकी कंट्रीब्यूशन कितनी है 120। 20,000 × 120, 20,000 तो ये पक्का बेचूंगा, प्लस बाकी कितने बेचूंगा नए में से। लेकिन नए में से कितने बेचेंगे यही तो सवाल है, तो उसको मान लिया एक्स, और इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी आती है 75। तो इस तरह से आपकी वैल्यू आएगी एक्स की, और हमें एक्स नहीं चाहिए, हमें आंसर बताना है टोटल ब्रेक इवन कितना है। तो 20,000 ये वाले यूनिट्स प्लस जो एक्स आएगा, यानी कि दिस विल बी कॉल्ड द ब्रेक इवन पॉइंट। समझे क्या? चलो लिखना स्टार्ट करो पहले यहां से। जब भी क्वेश्चन में एक से ज्यादा टाइप का होगा तो फॉर्मूला नहीं लग पाएगा, अगर आप सोचो सिंपल फॉर्मूला लगा दोगे। You will have to go through the equation route. Any doubt? Okay. जो 2015 का ओपनिंग है वो बेच कब रहे हैं हम 2016 में? सेलिंग प्राइस 2016 में एक ही रखेंगे ना बेटा 300। कंपनी कांट कीप मल्टीपल प्राइसेस। एक्स 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 एक्स
24 लाख प्लस 75x इक्वल टू 79.20 लाख, 75x इज इक्वल टू 55.20 लाख, x इज इक्वल टू 73,600. Total units sold at break even point is equal to